मेरी ना सच में मेरी नींद उड़ी हुई है। अभी कांटेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए कि मैं ये राइड करूँ, क्योंकि और अंदर जाने का इतनी भीड़ थी ना, तो मुझे लग नहीं रहा कि एकदम नंबर आएगा अभी। तो अपने जो बचपन के आर्मी कैंट वाले दिन थे ना, वो बड़े याद आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बड़े होंगे। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:51 और मेरी ना सच में मेरी नींद उड़ी हुई है। एक्चुअली 4-5 दिन से मेरा प्लान चल रहा था कि मेरे को एक राइड करनी है, लद्दाख राइड करनी है, नॉन स्टॉप हल्द्वानी से लेके लेह तक का, जो कि नॉन स्टॉप राइड रहेगी। तो उसकी प्लानिंग की वजह से मेरी पूरी नींद उड़ गई है। मैं बहुत लोगों से बात चल रही है, बहुत लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए। तो मैं उनसे भी कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए कि मैं ये राइड करूं, क्योंकि बिना स्पॉन्सरशिप के मैं ये राइड नहीं कर पाऊंगा। चीज़ें ऐसी कि फाइनेंशियल अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा हूं बहुत टाइम से। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग मुझे इसमें हेल्प आउट करें कि स्पॉन्सरशिप मिले, तो मैं उसके कोशिश कर रहा हूं। तो उस टाइप से मेरे को नींद उड़ी हुई है। रात के लगभग 12 बज गए, 12:01 बजने वाले हैं, रात के 1 बजने वाले हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से स्पॉन्सरशिप मिले। मैं अपने रूट में प्लान कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं अपने राइड को स्टार्ट करूँगा, कितने बजे स्टार्ट करूँगा, और कैसे आपका दिल्ली चंडीगढ़, उसके बाद फिर मनाली होते हुए ले पहुँचूँ। और जो प्लानिंग चल रही, बहुत दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है कि किस तरीके से आप उसको करोगे, क्योंकि कुछ एरिया आपका प्लेन्स का, चंडीगढ़ आप प्लेन तक कर लोगे, और उसके बाद फिर जो रास्ता है वो पूरा का पूरा आपका माउंटेन वाला है। और माउंटेन में जो बाइक चलती है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। पता नहीं किस तरीके से उस राइड को करूँगा, किस तरीके से मैं अपने आप को मेंटली फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये राइड करनी है। और बहुत लोग मुझे अभी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन जितना मुझे चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। कोशिश ये कर रहा हूँ कि हाँ मिल जाए, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिलहाल अभी नींद उड़ी हुई है, कोशिश करता हूँ कि सो जाऊँ, मेरे को सच में नींद आ रही है। और फिर देखो कल मॉर्निंग उठ के क्या मैं प्लान करता हूँ, किन लोगों से मैं मिलता हूँ, किस तरीके से मैं अपने स्पॉन्सरशिप वगैरह लेता हूँ, ये भी माइंड में चल रहा है। तो कोशिश करते सोने की, और आपको मिलते हैं कल सुबह कुछ गुड न्यूज़ के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, ये मेरे दूसरा दिन है आज। और कल रात मैंने 2 स्टोरी लगाई थी, तो मुझे इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट भी करा है, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी करा है। तो जहाँ से मुझे पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, आज का काम ये रहेगा कि मैं उनसे बात करूँगा और उनसे पता करूँगा कि आप मुझे किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, किस तरीके से मुझे स्पॉन्सरशिप वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो। तो देखो आज का दिन ऐसे रहेगा। फिलहाल अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, और अभी मुझे तैयार होना है, शॉप जाना है। शॉप जाने के बाद फिर जो लीड है उनमें बात करनी है, उनसे मिलना है, बात करना है, फ़ोन पे बात करना है कुछ लोगों से। तो देखो यार, आप कुछ काम करते हो ना, कुछ मेहनत करते हो ना, कहीं से आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, कहीं से आपको सपोर्ट ना करने वाले मिलेंगे। जो आपको गिराते हैं, तो जो गिराते हैं उनको तो इग्नोर कर दो, और जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनके हेल्प से आप आगे बढ़ो, उनका सपोर्ट लो, और वही आपके अच्छे अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, वही आपको चाहने वाले हैं। तो आज का काम यह है कि उन लोगों से मिला जाएगा, उनसे लीड पे बात करी जाएगी, आप मुझे किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हो, किस तरीके से स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। तो आज की प्लानिंग सारी यही है। सैटरडे का दिन है, तो शॉप भी मेरी ज़्यादा देर खुलती नहीं है, 3-4 घंटे ही खोलता हूँ मैं। तो उस बीच जितना काम हो गया होगा, उसके बाद फिर अपने काम के लिए, लीड के लिए, बात करने के लिए फिर जाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ सपोर्ट मिल रहा है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में, 2 हफ्तों के अंदर, जब तक मनाली वाला रूट भी अच्छा हो जाएगा, अच्छा क्या मतलब गाड़ी जाने लायक बन जाएगी, तो तब तक अपना ये सारा काम निपट जाएगा। तो बहुत सारी प्लानिंग मैंने कल रात जब मैं सोया नहीं था, तो उसमें अपनी मैंने रूट मैप तैयार कर दिया है। तो आज उसी में और फोकस करा जाएगा कि किस तरीके से टाइमिंग का जो मेन है ना, कि कितने बजे मुझे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि मुझे ऐसा टाइमिंग रखना है कि मैं जो हिमाचल वाला पार्ट है, हिमाचल चंडीगढ़ से हिमाचल वाला पार्ट, वो रात में कवर करूं, और मनाली से फिर जो मेरा लेह वाला रास्ता रहेगा, वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मॉर्निंग में स्टार्ट करके शाम तक कंप्लीट करूं। जो कि क्योंकि वो वाला रास्ता थोड़ा दिन में करने में ठीक रहेगा, क्योंकि दिन में दिखेगा उतने लूप्स आएंगे, 2 लूप्स आते हैं आपका, एक गाटा लूप्स आता है और एक आता है जो जिंग जिंग बार लूप। तो ये दोनों जो है इनको पार करना है दिन के टाइम, क्योंकि ऑक्सीजन की इशू रहती है। तो मैं नहीं चाहता कि रात में मुझे कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला पार्ट में, जो ले वाला पार्ट है, ले में शाम तक पहुँचूँ। तो उस तरीके से कुछ प्लानिंग है।
बाकी इम्प्लीमेंट करेंगे अभी, बहुत कुछ सोचेंगे समझेंगे उस तरह के उसका प्लान करा जाएगा। फिलहाल अभी तैयार होता हूँ, नहा धोना करता हूँ, उसके बाद फिर शॉप जाता हूँ। बाकी फिर लीड आप देखिए क्या क्या मेरे को सपोर्ट मिलता है, तो चैनल तो बने रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करिए भैया, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के जैसे ही कुछ करने के लिए मिलेगा और आगे रीच मिलेगी। तो अभी चलते हैं आगे। तो फिलहाल मैं तैयार हो गया हूँ और अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। अभी क्या करना है, मैंने एक्चुअली पापा को और मम्मी को ना मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना है, उनको दिखाना है, और उसके बाद फिर मैं अपना जो आज शॉप वाला काम है शायद उसको पेंडिंग करूँगा। बाकी जो स्पॉन्सरशिप वाला प्लान है उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल अभी पापा रेडी हो रहे हैं और इसमें आज जाएंगे, तो फिलहाल तैयार हो गए हैं, निकलते हैं अब यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल। उसके बाद फिर वहाँ काम वाम निपटा के चलते हैं अपने आज के जो मेन काम के लिए मुझे आना है, वो काम निपटाने उसके लिए निकलना है। तो फिलहाल पहले मम्मी पापा, उसके बाद फिर अपना दूसरा काम। फाइनली पहुंच गया मार्बल कैंट, और अभी यहाँ हमारा काम जो होना है मम्मी का पांव दिखाना है और पापा का थोड़ा दांत में बड़े होंगे तो वो दिखाना है, वो दिखा के फिर अपने देंगे। और बड़े दिनों बाद आर्मी कैंट में आया हूँ, वरना लगभग 5-6 साल पहले मैं आया था, तो उसके बाद से अब आके यहाँ आ रहा हूँ। कभी मिला नहीं मौका आने का, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है, इतनी भीड़ होती है, चक्कर से मैं कभी आता नहीं हूँ। फिलहाल अभी दिखाते हैं डॉक्टर को, उसके बाद फिर वापस अपने काम निपटाने के लिए। तो भैया अभी ना यहाँ तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये ना हमारे कुमाऊँ का CHS सेंटर एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और अंदर जाने के बाद इतनी भीड़ थी ना, तो मुझे लग नहीं रहा कि एकदम नंबर आएगा। अभी कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाने हैं यहाँ पे, तो 2-3 घंटे बाद फिर अपना काम निपटाने जाएंगे। क्योंकि यार ये एक्चुअली क्या है ना, पूरे कुमाऊँ का एक यही है, और ज़्यादातर लोग जो रिटायरमेंट के बाद जो लोग आते हैं ना, वो हल्द्वानी में बस जाते हैं, जितने आर्मी वाले होते हैं तो सब यहीं पे बसते हैं, तो जो भी मेडिकल फैसिलिटी होती है वो सारी यहीं होती है। तो अभी यहीं पे देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है, और कितने लोग तो पैदल आए होंगे, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा है। देखो कितना टाइम लगती है, यहाँ काम निपटता है फिर अपना काम आगे का निपटाते हैं। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं 2-3 घंटे का अपना काम निपटा के फिर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यार पता है क्या है, इतने सालों बाद आ रहा हूँ ना, तो अपने जो बचपन के आर्मी कैंट वाले दिन थे ना, वो बड़े याद आते हैं कि कैसे हम मतलब इतने मस्ती करते थे, तो घूमते थे, कैंप के अंदर बैठते थे और खेलते थे, कूदते थे, एजुकेशन करते थे। तो बहुत सारी यादें हैं यहाँ से मतलब मिलिट्री कैंप से। तो अब तो बड़े हो गए तो आना होता नहीं है, लेकिन हाँ आज आएँ तो बड़ा याद आ रहा है अपने पर बचपन के दिन। तो ऐसे ही होते हैं यार, बचपन के दिन बीत जाते हैं और अपनी लाइफ बड़ी हो जाती है, तो सब चीज़ चेंज हो जाता है और अपने लाइफ में सब बिज़ी हो जाते हैं। तो यही शेड्यूल है आजकल, और अभी मेरे को अपना काम निपटाना है, तो उसका वेट करते हैं। पापा लोग अपना जो भी दिखाते हैं, मम्मी दिखाती है, उसका फिर अपना काम निपटाएंगे। तो भैया अपना जो काम था ना मेडिकल वाला, वो काम हो गया है, और अभी यहाँ से मैं मम्मी और पापा जा रहे हैं वापस घर की तरफ। इनको घर छोड़ूंगा, उसका फिर अपना जो काम है वो निपटाने के लिए फिर वापस मार्केट जाऊँगा। चलते भैया अभी अपने घर की तरफ। भैया मैं अपने शॉप पे आ गया हूँ, और जो मैंने बात करी थी स्पॉन्सरशिप प्लान, तो मेरी बातें तो होंगी ये बहुत से, आज मैं दो लोगों से मिलकर मैंने बात करी, तो अभी बात चल रही है। देखो अगर आज के लिए फाइनल हो जाएगा तो शायद एक या दो स्पॉन्सरशिप मेरे पास आ जाएंगे, तो होप तो अच्छा चले, अच्छा रहे, तो जल्दी से अपनी जो राइड है लद्दाख राइड उसको चालू कर देंगे। तो आज का दिन तो बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ मेरा काम बना, तो होप सो देखो जल्दी ही कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, और हमारी जो लद्दाख राइड है ना वो चालू हो जाएगी। तो वो सब आपका प्यार है, और थोड़ा सा प्यार और चाहिए कि आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो प्लीज़ को लाइक कमेंट शेयर करिए, और शेयर तो जरूर करिए, लाइक नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर करिए कि कोई आपका, अगर आप उत्तराखंड से देख रहे हो ना भैया, तो उत्तराखंड से आपका कोई दोस्त, कोई भाई एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो उसका सपोर्ट तो बनता है, तो आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। तो जाके इस वीडियो को शेयर करिए और हर किसी को दिखाइए कि नया रिकॉर्ड बनने वाला है उत्तराखंड से, हल्द्वानी से ले वाला। तो मिलते हैं जल्दी नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।